क्या हुआ अनिल भाई, बड़े चिंतामग्न लग रहे हो। अरे हाँ यार, वो ट्रैक्टर किराए पे चलाने का कारोबार करना चाहता हूँ, उसी के बारे में सोच रहा था। ये तो बहुत बढ़िया बात है, ट्रैक्टर किराए पे चलाने का कारोबार। हाँ बढ़िया तो है, लेकिन इसके लिए तो काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है ना, और ऊपर से सीजन भी सर पे आ रहा है, तो शुरुआत कहाँ से करूँ समझ नहीं आ रहा। वो तो सही है, पर मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। पर मेरा एक दोस्त है जो तुम्हें इसकी पूरी जानकारी दे सकता है। अच्छा, हाँ जी, तो फिर देर किस बात की है, चलो उससे मिलने चलते हैं। चलो फिर चले चलते हैं। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नितिन जी, आइए बैठिए। और नितिन जी, काम कैसे चल रहा है? काम बहुत बढ़िया चल रहा है। ये मेरे मित्र हैं अनिल। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। इनको ट्रैक्टर किराए पे देने का कारोबार शुरू करना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। मुझे आपसे ये जानना है कि ट्रैक्टर किराए पे चलाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिससे कि खर्चा भी कम आए और आमदनी भी अच्छी हो। अनिल जी, इसके लिए तो आपको बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि इस्तेमाल किए जाने वाला इम्प्लीमेंट मैचिंग होना चाहिए, ट्रैक्टर सही गियर में चलाना चाहिए, ट्रैक्टर का रखरखाव सही समय पे होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आज मैं आपको फील्ड से संबंधित ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप अपना काम शुरू कर सकते हो और कम खर्चे में ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हो। पर खेत में इम्प्लीमेंट चलाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? अगर आपको कम से कम समय में खेत को अच्छी तरीके से तैयार करना है तो आपको ट्रैक्टर को मोड़ने के लिए खेत में जगह छोड़नी चाहिए, ताकि ट्रैक्टर मेड़ पे ना जाए और कोई भी जमीन जुताई करने की ना छूटे। पर ये बताइए, ट्रैक्टर खेत में मोड़ने के लिए कितनी जगह छोड़नी चाहिए? ट्रैक्टर और इम्प्लीमेंट के कुल लंबाई के 75% जगह छोड़नी चाहिए। पर अनिल जी ये बताइए, आप इम्प्लीमेंट कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं? मेरे दोस्त के पास एक पुराना प्लाव है, मैं उसी का इस्तेमाल करूंगा। पुराना प्लाव? क्या वो साधारण प्लाव है या पल्टी प्लाव है? नहीं, वो साधारण प्लाव है। अरे अगर आपको कम खर्चे में ज़्यादा लाभ कमाना है तो आपको तो पल्टी प्लाव का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप अभी साधारण प्लाव का ही इस्तेमाल कर रहे हो तो मैं आपको उसे खेत में चलाने के सही तरीके के बारे में बताता हूँ। प्लाव चलाने के तरीके? हाँ, साधारण प्लाव आप दो तरीके से चला सकते हो। खेत की जुताई या तो आप बाहर से अंदर की तरफ कर सकते हो या अंदर से बाहर की तरफ कर सकते हो। अच्छा, पर ये बताइए, ये अंदर से बाहर और बाहर से अंदर का तरीका कब इस्तेमाल करते हैं? अगर खेत अंदर की तरफ गहरा है तो जुताई आपको बाहर से अंदर की तरफ करनी चाहिए। अगर खेत बाहर की तरफ गहरा है तो जुताई आपको अंदर से बाहर की तरफ करनी चाहिए। और ज्यादातर ये तरीके छोटे खेत के लिए फायदेमंद रहते हैं। अगर खेत बड़ा हो तो? अगर खेत बड़ा है तो इन दोनों तरीके का इस्तेमाल करके आप खेत को छोटे छोटे हिस्से में बांट के जुताई कर सकते हो, जिससे ट्रैक्टर मुड़ने में कम समय लगता है और काम भी अच्छा होता है। तो ये बताइए, अगर पल्टी प्लाव है तो? पल्टी यानी रिवर्सिबल प्लाव है तो आप सीधी सीधी जुताई कर सकते हो,
जिससे ट्रैक्टर मोड़ने में समय व्यर्थ नहीं होता और काम भी जल्दी हो जाता है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया, पर कई बार खेत का आकार अलग अलग होता है, तो ऐसे में जुताई कहाँ से शुरू करनी चाहिए? अलग अलग आकार के खेत के लिए जुताई इस तरीके से करें कि ट्रैक्टर कम से कम मुड़े और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम हो। अच्छा, क्या इसके अलावा और किसी बात का ध्यान रखना जरूरी है? इसके साथ साथ काम के अनुसार ट्रैक्टर को सही तरीके से बलास्ट करे और टायर में हवा का दबाव भी सही रखे। तो समझ गए अनिल, ये रही कुछ शुरुआती जानकारी जो आपके कारोबार में जरूर फायदेमंद रहेगी। अगर आप इस तरीके से प्लानिंग करोगे तो डीजल की बचत होगी, खर्चा भी कम होगा, कम से कम समय में ज्यादा काम भी होगा और साथ साथ ट्रैक्टर की आयु भी बढ़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस जानकारी का जरूर इस्तेमाल करूंगा। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपसे सीखनी भी है, तो उसके लिए तो मैं समय समय पर आपके पास आता ही रहूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी इसी तरह ट्रैक्टर से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने विषय हम तक पहुंचाएं और देखते रहिए ट्रैक्टर एंड तरुण।